How much water? How many water? How much book? How many book? अरे ये क्या मच मैनी लगा रखा है? मुझे समझ नहीं आ रहा कब how much यूज करना है, कब how many यूज करना है। बस इतनी सी बात, मैं अभी आपका कंफ्यूजन दूर करती हूँ और आप लोगों का भी। मैं आज आपको मच और मैनी का कॉन्सेप्ट समझाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे मैनी की। मैनी हम यूज करते हैं काउंटेबल आइटम्स के साथ, जिनको हम अपनी फिंगर पर काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। जैसे कि ये बुक्स, हाउ मैनी बुक्स, या आई हैव मैनी बुक्स। स्पून्स, हाउ मैनी स्पून्स, या मैनी स्पून्स। मैनी पेन्स, मैनी लैपटॉप, इस तरह से बहुत सारे आपके डेली लाइफ में एग्जाम्पल्स हैं जहां आप मैनी यूज करते हैं। लीव्स, यानी कि जिसको आप फिंगर्स पर काउंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हाउ मच की, जिसमें ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन होता है। हाउ मच हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल आइटम्स के साथ, यानी कि जिनको हम अपनी फिंगर्स पर काउंट नहीं कर सकते। तो क्या ऐसे भी आइटम होते हैं? हाँ होते हैं, और हम डेली यूज करते हैं। जैसे कि वाटर का एग्जाम्पल ही ले लीजिए। आप इस ग्लास में कितना पानी है, आप क्या मुझे बोलोगे? आप बोलोगे इस ग्लास में 0.5 पानी है, 1 पानी है, नहीं नहीं 100 पानी है, नहीं। आपको इसके लिए एक यूनिट का यूज करना पड़ेगा। दिस ग्लास कंटेन्स 100 ml ऑफ वाटर। तो अनकाउंटेबल आइटम्स के साथ हमें कोई मेजरमेंट यूनिट का यूज करना पड़ता है इसकी क्वांटिटी को शो करने के लिए, क्योंकि फिंगर से काउंट नहीं हो सकते, यानी नंबर्स के फॉर्म में काउंट नहीं हो सकते 1 to 9। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल है। सबसे पहले जितने भी लिक्विड आपके आइटम्स है, वाटर, जूस, मिल्क के अलावा जो भी क्वालिटी होती है ह्यूमन में, जैसे कि ऑनेस्टी, करेज, ये सब भी हमारे अनकाउंटेबल आइटम्स में आते हैं, यानी कि इसके साथ भी हम मच का यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे जो इमोशंस होते हैं, जैसे कि लव, फीलिंग्स होती हैं हमारी, हेटर, लव, इस टाइप से सोरो, पेन, इसके लिए भी हम अनकाउंटेबल आइटम्स यूज करते हैं। अनकाउंटेबल में ही ये आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसे बहुत दर्द है, यानी हम कहेंगे शी हैज मच पेन, हम ये नहीं बोलेंगे शी हैज मैनी पेन, इट इज रॉन्ग। इसके अलावा आप डेली जो किचन में आइटम यूज करते हो, राइस, शुगर, सॉल्ट, इसमें भी हम मच का यूज करते हैं, क्योंकि ये भी अनकाउंटेबल आइटम्स। राइस, शुगर, पर इसको तो हम काउंट कर सकते हैं। कैसे बताइए? हम, मैं बोलता हूँ ना, 1 packet ऑफ शुगर, 1 packet ऑफ राइस। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। आप किसी भी शॉप पर जाते हो तो आप बोलते हो गिव मी 1 packet ऑफ शुगर, राइट, 1 packet ऑफ राइस, क्योंकि आप उसे पैकेट के टर्म्स में काउंट कर रहे हो ना। इसका मतलब पैकेट आर काउंटेबल आइटम्स, जैसे कि हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ शुगर डू यू वॉन्ट। लेकिन अगर आप डायरेक्ट बोल के दिखाओ मुझे सॉल्ट और शुगर का एग्जाम्पल, तो इसके लिए आपको केजी का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि मेरे पास 2 kg शुगर है, या मुझे 2 kg शुगर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच सॉल्ट हैव यू एडेड इन दिस करी, इस करी में तुमने कितना सॉल्ट ऐड किया, तो आपने हाउ मच यूज करोगे, हाउ मेनी सॉल्ट थोड़ी ना, आपके सॉल्ट को काउंट करोगे, शुगर को एक एक दाना काउंट करोगे, राइस का एक एक दाना काउंट करोगे। इसलिए हम इन सब चीजों के साथ भी हाउ मच का यूज करते हैं। किसी के रेफरेंस में अगर हम दे रहे हैं पैकेट, तो हाउ मैनी, क्योंकि डायरेक्ट हम किसकी बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मच या मैनी लगता है। इसी के साथ ये एक और एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने अभी वाटर को अनकाउंटेबल आइटम्स बताया था, क्योंकि हम इस ग्लास में कितना वाटर है इसके लिए हमें कोई मेजरिंग यूनिट चाहिए थी, ml या लीटर। लेकिन अगर हम ग्लास के रेफरेंस में वाटर को बात करें कि आई हैव 3 glass ऑफ वाटर, तो हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर आर देयर, तो हम मैनी का यूज करेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे हाउ मच ग्लासेस ऑफ वाटर आर देयर, क्योंकि यहाँ हम ग्लासेस के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, एंड ग्लासेस काउंटेबल आइटम्स, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अलावा मनी जो डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी भी अनकाउंटेबल आइटम्स है, तो हम मच यूज करेंगे। लेकिन मनी को तो हम लोग काउंट कर सकते हैं ना। अच्छा, कैसे? अच्छा ठीक है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है? हाउ मच मनी डू यू हैव इन योर पॉकेट? 1000 rupees। 1000 rupees, हाँ। 1000 वॉट, आपको क्या लगाना पड़ा? 1000 rupees। 1000 तो पैसे भी हो सकते हैं, 1000 तो डॉलर भी हो सकता है, मतलब आपको मनी के साथ करेंसी का यूज करना पड़ रहा है। और मैंने अभी अनकाउंटेबल आइटम्स के लिए आपको क्या समझाया था, हम इसे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, उसके साथ हमें किसी मेजरिंग यूनिट का रेफरेंस लेना पड़ता है, जिससे उसकी क्वांटिटी शो हो सके, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर हम इसी चीज को बोलते हैं
रुपीज या पैसे के टर्म में, बिकॉज रुपीज और पैसे काउंटेबल होते हैं हमारे, तो हम ऐसे बोल सकते हैं हाउ मेनी रुपीज। डायरेक्ट हम करेंसी की यहाँ बात कर रहे हैं, करेंसी के रेफरेंस में हम लोग पूछ रहे हैं हाउ मेनी रुपीज डू यू हैव, तो यह मैनी लगेगा। बट अगेन अगर हम मनी के रेफरेंस में पूछते हैं, जैसे हाउ मच मनी डू यू अर्न ईयरली या मंथली, तो मनी से हम उसके रेफरेंस पूछ रहे हैं, उसकी सैलरी या इनकम पूछ रहे हैं, तो हम यह यूज करेंगे। या फिर इसी तरह से एक और मैंने इमोशन भी बताया था, इसका भी मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, फन। वी हैड सो मच फन, ठीक है, हमने बहुत सारा फन किया। फन आप देख नहीं सकते, एक तरह से फन आप देख नहीं सकते, हमारी फीलिंग्स है, तो उसके साथ भी हम ये नहीं करेंगे वी हैड सो मेनी फन, इट इज कम्प्लीटली रॉन्ग, सो मच फन। तो आई होप जितने एग्जाम्पल पॉसिबल थे और जो डेली लाइफ में यूज होते थे मैंने आप सबको देने का वो ट्राई किया है। तो आई होप अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा मच और मैनी का कॉन्सेप्ट। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।